पंजाब के पठानकोट में पड़ने वाले हिंदू सरकारी बैंक के बंद होने से गुस्साए खाता धारकों ने आज यहां पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर समूह प्रदर्शनकारियों जिसमें वृद्ध महिलाएं, गरीब व्यवसायी और सेवानिवृत्त व्यक्ति शामिल थे ने पंजाब सरकार और बैंक प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बैंक के पुनर्संचालन की मांग की है। इस मौके पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बैंक बंद होने के कारण वे 2 साल से मेहनतन की गड़ी कमाई नहीं निकाल पाए, जिस कारण उन्हें बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से मजबूरन उन्हें यहाँ चंडीगढ़ में आकर संघर्ष करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने कहा कि RBI की ओर से लगाई गई लगभग सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं और ऐसा माना जाता है कि हिंदू सरकारी बैंक लाभ में है, फिर सरकार बैंक का पुनर्संचालन करने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। बस यो ही कर सकते ही और हाडा कसूर दसो की हैगा। मैनू एक गल देखो कि जिन्हां नूं फड़ना ही वह फड़े नहीं गए, सानू चुके अंदर दे छड़े। मतलब किन्नी बगैरत वाली गल हैगी है, भावें जिहदे लई मर्जी होवे, पंजाब सरकार लई होवे, सेंटर सरकार लई होवे, थाने वाले लई होवे, किन्नी बगैरत वाली गल है कि बजुर्ग बंदे थाने लिया के उन्हें दरिया से बिठाए दे, पहले अं बाहर बैठे हूँ अंदर चुके दे छड़िया। जिहड़े बंदे फड़न वाले वह कदों फड़ने, क्राइम ब्रांच ने वह बंदे कदों फड़ने हैगे। 2019 के 13-5 की FIR जी है, हाले तक उसके उत्ते कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, अजे तक 2 साल होने आए है। बंदा पूछे जे तुहाडे कोल तुसीं नहीं फड़ सकते, सानू कोई अहुदा दे दो, अहीं फड़ लैने, ठीक है ना, अहीं फड़ लैने जे तुहाडे कोल नहीं, अहीं दस दिंदे किदां फड़ना हैगा, ते तुहानू तरीका भी नहीं पता हैगा। हुण असीं इत्थे आए सीगे विधानसभा के बाहर धरना लाना है, धरना लाने तो पहला ही हाले इन्होंने उन्होंने पता लगा कि इन्होंने धरना लाना, चुक के सानू अंदर दे छड़े। अब वेख लो सारे तुहाडे सामने बजुर्ग बैठे, अगली स्ट्रैटेजी की रहेगी, स्ट्रैटेजी की है। साडा धरना तुहानू पहला भी शुरू तो कहिंदा आ रहा, मैं साडा धरना जारी रहना जद तक पैसे नहीं मिलते। अं पठानकोट के लोगों एक एक चीज़ एक जागना चाहिए है कि तुहाडे जिहड़े शहर के नुमाइंदे है जिहड़े अहीं चुने दे हैगे आ, साडे लोगों ने चुने दे, वो की करन दे हटले। एक भी बंदा साडी सूह नहीं लैन दिया, साडी सुध नहीं लैन दिया है कि तुसीं तुहाडे पैसे मिलन दे आ, कदों मिलन दे आ, क्यों नहीं मिलन दे। तीन MLA एक जिले दे, एक MP है, तीनों कुछ नहीं करन दे, अहीं सारे नूं मिले, अहीं सारे नूं मिलिया, गुहार लाई है कि इस मसले नूं हल करो। अज असीं जगाण आए सीगे विधानसभा दे विच सारे MLA नूं, ओह उत्थे तक सानूं जाण नहीं दित्ता इन्हां ने, पहले चुक के अंदर दे छड्डिया, पता नहीं करना कि देखो साडी हुण भी कोशिश है कि असीं पुलिस नूं बार बार रिक्वेस्ट करते पए आ, साडा डेपुटेशन 2-4 बंदियां दा सैकटरी पंजाब नूं मिला दिओ ताकि अहीं अपना रोना उन्हां के दस सके, उन्हां नूं अपनी समस्या जिहड़ी आ उहदे बारे समझो के दस सकीए, और उन्हां तों उम्मीद करदे आ कि अग्गे करदे। ते हुण सानूं इत्थे बिठा लिआ, हुण अहीं हुण फिर चले आए हैं SHO कोल विजन दे कि सानूं टाइम दिओ, मनाओ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लगभग 1 साल पहले कहा था कि बैंक जल्द ही शुरू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा DC पठानकोट यानी बैंक के सह प्रशासक द्वारा भी आवश्यक प्रयासों के बावजूद बैंक के गरीब और जरूरतमंद जमाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। इस मौके पर उन्होंने मांग की है कि हिंदू सरकारी बैंक का पुनर्संचालन या विलय किया जाए। इस दौरान आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक लिया है। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के थाने ले जाया गया। देखो जी, पिछले 9 महीनों तो असी पठानकोट धरना दे रहे थे हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ। अज असी विधानसभा चंडीगढ़ के बाहर अपना मसला लैके आए थे ताकि 117 के 17 MLA जागण, साडा मसला देखण, तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके सॉल्व कर। अपने पठानकोट के 3 MLA आगे अं गुहार ला के देख लिया, वो कुछ नहीं करते पे। 90,000 अकाउंट होल्डर, 12,000 शेयर होल्डर इस मसले तो पीड़ित है। साड़ी CM साहब अगे मंग हैगी सी कि इहदा कोई ना कोई हल किया जाए। अज तो 6-7 महीने पहला जुलाई महीने च उन्होंने एक बयान दिता सीगा कि तुहाडे बैंक का हल जल्दी तो जल्दी हो जाएगा, बट अजे तक उहदा कोई हल नहीं निकलिया है। साड़ी उन्हां अगे मंग हैगी है कि साडा जल्दी तो जल्दी मसला हल करो। किन्ना चिर तुसीं बजुर्गों नूं जां साडे वर्गे मतलब जिहड़े गरीब लोग हैगे ने उन्हां नूं किन्ना चिर तक तुसीं तरसाउणा हैगा। साड़ी ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ।
देखो जी असी ओएसडी साहब जिहड़े हैगे आ अपने ओएसडी साहब हैगे जिहड़े सीएम दे अंकित बंसल जी उन्होंने असी अपना मेमोरेंडम दिता है। उन्होंने पूछा साढ़े को कि मसला थोड़ा, उन्होंने मसला पूरा दस के उन्हें अगे मेमोरेंडम दे के असी वापस आए हैं। असी उन्होंने समझाया कि साडा हल करो जल्दी तो जल्दी, बुजुर्ग बहुत दुखी ने, काफ़ी पठानकोट की जनता इस मसले तो दुखी है, इस चीज़ का हल जल्दी तो जल्दी करो नहीं तो शहर का रोष होर वध तो वध वधता जा रहा।